नमस्कार मित्रों, ई एस्प्रिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, वर्ष 2020 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। आज हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्ष 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। आप उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि वर्ष 2020 में आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में क्या क्या हलचल होने वाले हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी नौकरी या व्यापार में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे। तो आइए बात करते हैं कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2020। कुंभ लग्न राशि के जातकों को साल 2020 में हर क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। यदि आप अपनी पूरी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे रहेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। हालांकि ऐसे कई मौके भी आएंगे जब आपको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साल की शुरुआत में आपके लग्न राशि के स्वामी ग्रह शनि लाभ के स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वर्ष रहने के संकेत कर रहे हैं। भाग्य के स्वामी ग्रह शुक्र आपकी लग्न राशि से 12वें स्थान में विराजमान हैं, जो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। आपके पास धन हो या नहीं, आपका धन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य धन के न होते हुए भी रुकेगा नहीं। कर्म क्षेत्र का स्वामी मंगल अपनी सौ राशि में रूचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, जिसका लाभ आपको कार्य क्षेत्र में शुभता को बढ़ाने तरक्की नई जॉब के रूप में मिलेगा। इस समय आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। लाभ स्थान पर पंचग्रही योग का होना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह योग आपके लिए पूर्ण राजयोग की तरह काम कर रहा है। साल के पहले तीन महीने बहुत अच्छे हैं। आप जो भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं आप उसे इस समय शुरू कर सकते हैं। 24 जनवरी को शनि आपकी लग्न राशि से 12वें स्थान में आ जाएंगे, जिस कारण आप पर शनि की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आप धन खर्च में बढ़ोतरी को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। 30 मार्च को गुरु आपकी राशि से 12वें स्थान में मकर राशि में आ जाएंगे। इस समय आपको जन्म स्थान से दूर जाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि इस समय आप अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। 28 मार्च से 31 जुलाई तक शुक्र ग्रह आपके चौथे स्थान से ट्रांजिट करेंगे। चौथा भाव आपके माता और सुख का है। वृषभ राशि में शुक्र ग्रह यहाँ मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। इस समय आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। भौतिक सुखों के लिए ये समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। 23 सितंबर को राहु का परिवर्तन आपकी राशि से चौथे स्थान में होने जा रहा है, जो कि माता और आपके घर वाहन सुख का स्थान माना गया है। इस घर में राहु का उच्च राशि में जाना घर को विस्तार देने के योग बना रहा है। पुनर्निर्माण का कार्य अगर पेंडिंग है तो इस समय यह पूर्ण हो सकता है। कुंभ लग्न राशि के जातकों को साल 2020 में किसी भी क्षेत्र में बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए और किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। इस वर्ष आपको कोई बड़ी हानि हो सकती है। नौकरी में उतार चढ़ाव के चलते आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है। साल की शुरुआत से ही आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होगी। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई और एडमिशन को लेकर भी इस वर्ष आपको अच्छी खासी चपट लगने वाली है। 30 मार्च से 30 जून के बीच आपके पास आय के स्रोत बढ़ेंगे
और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराने समय में यदि आप कुछ कर्ज की समस्याओं के बीच में फंस गए थे तो आश्चर्यजनक रूप से इस समय अवधि में आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि फंड का सही इस्तेमाल तभी होता है जब मानसिक समस्या कम हो। साल 2020 में शेयर बाजार और जुए में अपना पैसा लगाना आपके लिए सही नहीं होगा। किसी मित्र को कर्ज देने से पहले विचार विमर्श कर लें। इस वर्ष आपकी आय तो नियमित रहेगी लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। किसी करीबी मित्र के साथ मिलकर आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। करियर की बात करें तो साल 2020 में आगे बढ़ने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी, लेकिन मेहनत करने के बाद सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलने के योग हैं। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन्हें अपने पार्टनर से सचेत रहना होगा, उन्हें धोखा मिल सकता है। हालांकि अपना बिजनेस करने वालों के लिए साल की शुरुआत में 30 मार्च तक और 30 जून से 20 नवंबर के बीच का समय अच्छा रहने वाला है। अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो यह वक्त शुभ है। जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच आप ऑफिस के काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। अपने सहकर्मियों के बीच वरिष्ठ अधिकारियों की बुराई करना या गॉसिप्स में पड़ना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करें तो उसमें जरा भी लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है। 28 मार्च से 31 जुलाई के मध्य महिला अधिकारी से आपको सकारात्मक सहयोग मिल सकता है। शिक्षा के मामले में कुंभ लग्न राशि के विद्यार्थियों के लिए साल 2020 काफी अनुकूल रहने वाला है। पढ़ाई के प्रति आकर्षण बढ़ने के संकेत हैं। किसी कारणवश जिन लोगों की पढ़ाई में रुकावट आ गई थी वे लोग दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। साल की शुरुआत में ही आप शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम रखेंगे। हालांकि 23 सितंबर तक पंचम भाव में राहु का गोचर शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए कई बार रुकावटें भी डालने की कोशिश करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंस, मीडिया और फैशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए साल 2020 विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होगा। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मेहनत करने की ज़रूरत है। वे पढ़ाई में शॉर्टकट अपनाने से बचें, नहीं तो निराशा हाथ लगेगी। फैमिली लाइफ की बात करें तो साल 2020 आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। हर कदम पर आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में अगर पैतृक संपत्ति या जमीन को लेकर कोई विवाद लंबे समय से चला आ रहा है तो इस साल विवाद खत्म हो जाएगा। जो लोग विवाहित हैं उन्हें साल की शुरुआत में ससुराल पक्ष से बहुत प्यार मिलेगा। ससुराल में किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले आपकी राय को जरूरी समझा जाएगा। साल का मध्य थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। काम की व्यस्तता के चलते आप परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाएंगे, जिसके चलते तनाव और छोटा मोटा विवाद हो सकता है। इस साल बड़े भाई के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। बच्चों की ओर से यह साल आपके लिए थोड़ा निराशापूर्ण रहेगा। बच्चे आपकी बात काटने के साथ ही गलत संगत का शिकार भी हो सकते हैं। पढ़ाई को लेकर भी बच्चे बोरियत महसूस करेंगे, जिस वजह से उनके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। साल के अंत में आप बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल सकते हैं या उनके बेहतर भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। 23 सितंबर के बाद राहु आपके चतुर्थ भाव से ट्रांजिट करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक शांति में कुछ ग्रहण लग सकता है। इस दौरान आप अपने घर में कथा, हवन या किसी मांगलिक कार्य को संपन्न करवाएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें
तो इस वर्ष आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। इस साल शादी की सालगिरह पर पार्टनर को सोने की चीज गिफ्ट करें। इससे आपके रिश्ते में नज़दीकियां तो आएंगी ही, साथ ही प्यार भी बढ़ेगा। हालांकि कई ऐसे मौके भी आएंगे जब आपको मानसिक अशांति का सामना भी करना होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति के दखल होने से परस्पर विश्वास और सहानुभूति की कमी होगी। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको परस्पर एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना होगा। लव लाइफ या रिलेशनशिप की बात करें तो इस साल आपको कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको अपने रिश्तों को लेकर डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वरना आप अपना समय और रिश्ते दोनों खराब करेंगे। एक दूसरे पर विश्वास की कमी साफ दिखेगी। साल की शुरुआत से ही आपका रिश्ता गलतफहमी का शिकार हो सकता है। किसी करीबी दोस्त या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके लव लाइफ में ग्रहण लगना लगभग तय है। इसलिए आपको सलाह है कि आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखें और सारी बातें आपस में शेयर करें। साल 2020 में अगर आपके हेल्थ की बात करें तो आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। फरवरी से मई के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। जो लोग नस, जोड़ों एवं गठिया के रोगों से ग्रसित हैं उन्हें मार्च के बाद अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस वर्ष मानसिक तनाव के चलते आप किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। बाहर के खाने को नज़रअंदाज करें, नहीं तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अत्यधिक मसालेदार भोजन का प्रयोग ना करें। यदि किसी यात्रा पर जाना हो तो अपनी सेहत की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बाद ही सफर पर निकलें। यदि आप अस्थमा के मरीज हैं तो अपना इनहेलर साथ ले जाना न भूलें। यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ज़्यादा तनाव न लें, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तनाव के चलते आप किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। कुंभ लग्न राशि वालों को साल 2020 को और अच्छा बनाने के लिए शनि, शुक्र और बुध के उपाय करने चाहिए। शनि आपकी लग्न राशि के स्वामी हैं। यह आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। शुक्र आपके भाग्य भाव का स्वामी है। शुक्र के उपाय आपको भाग्यशाली और सफल बनाएगा। आपके लिए नीला, सफ़ेद और हरा रंग शुभ रहेगा। बेहतर होगा कि आप इसी रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। आपके लिए नीलम, हीरा और पन्ना शुभ रत्न है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से आपको लाभ होगा। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना न भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।